नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक बार फिर चुनावी माहौल शुरू हो गया है। झारखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के दहीजोर पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं सुमित्रा देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव कई वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। सुनील कुमार यादव 2010 में प्रथम बार अपने पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन कुछ वोट से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बावजूद सुनील कुमार यादव ने जनता का साथ नहीं छोड़ा और लोगों की सेवा करते रहे। सुनील कुमार यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि दहीजोर पंचायत में जो विकास का कार्य होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। ना सड़क का निर्माण हुआ है, ना नली गली का निर्माण हुआ है। क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं है। न गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। सुनील कुमार यादव ने बताया कि दहीजोर पंचायत के लोगों को प्रताड़ित देखकर और जनता के कहने पर मैं इस बार पंचायत चुनाव में आया हूं। इस बार के चुनाव में अपनी पत्नी सुमित्रा देवी अपने पंचायत दहीजोर पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी बनाया हूं, जिसका प्रतिनिधित्व खुद मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर दहीजोर पंचायत की जनता मुझे अपना समर्थन देकर अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा। सरकार द्वारा सारी योजनाओं को अपने पंचायत के धरातल पर उतारूंगा। वार्ड में सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। क्षेत्र में शिक्षा के लिए सरकारी भवन का निर्माण करवाऊंगा। पंचायत में नाला की समस्या को दूर करूंगा। सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। अपने पंचायत दहीजोर में हर क्षेत्र में विकास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड में पंचायत राज का जो चुनाव है वो नज़दीक आ गया है और चुनाव का जो विगुल है वो बज चुका है। नामांकन भी शुरू हो चुकी है। आज मैं झारखंड के देवघर जिले अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दहीजोर आया हूँ। यहाँ से मुखिया पद हैं सुमित्रा देवी जी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुनील कुमार यादव जी। सुनील कुमार यादव जी, आपको बता विगत कई वर्षों से 10 सीट होने के कारण इस बार ये अपनी पत्नी सुमित्रा देवी को पंचायत के मुखिया पद का प्रत्याशी बनाए हैं और खुद प्रतिनिधित्व करेंगे। आज कर रहे हैं और यहाँ की अगर इनको देखे मुखिया में चुनाव जिताती है तो ये अपने क्षेत्र में तरीके के विकास का काम करेंगे। तो बताएं सुनील जी, आप इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि जैसे कि आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है मेरे पंचायत में, इसको दूर करेंगे। यहाँ जो एक गरीब आदमी को जैसे जिसके पास पैसा नहीं है उसको काम नहीं मिल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसका काम नहीं होता। ये मुखिया ऐसा है कि बिना पैसा कोई काम करता नहीं है, पहला सोच है। दूसरा सोच है कि आज जैसे हमारे गाँव में हमारे गाँव में प्रधानमंत्री आवास जो है बहुत कम बना, जो कि बनना था 1000 से पार, लेकिन बहुत कम बना। ये मुखिया का मैंने परेशानी से मुखिया अपने असर से काम करने चाहिए, इसके चलते ऐसा नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि जैसे कि हर एक पंचायत में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग ऐसा सा लोगों को सब अभी परेशान जिसका नहीं हो पा रहा है और पैसे के बिना काम नहीं हो रहा है। यानी क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा इसमें आप कायम करेंगे। हाँ, इसके लिए हम सबसे वादा कर रहे हैं, हम अगर इस पोस्ट पर आ गए मुखिया पोस्ट पर तो पहला काम रहेगा कि जो पैसा यहाँ के लिए सब पैसा के बिना कोई काम नहीं होता है, इसको पहले दूर करेंगे। पैसा कहीं किसी को नहीं लगेगा, जो भी काम होगा ऐसे काम होगा जो जो सरकार भेजता है वो फंड गाँव तक पहुँचाएंगे। सरकारी योजनाओं को आप अपने क्षेत्र के जनता के बीच में पहुँचाने का काम, हाँ, आपका प्राथमिकता रहे। हाँ, इसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, जैसे हो गांव तक जहां जो सुविधा मिलेगा उसको गांव तक पहुंचाएंगे और गांव के बीच पूरा रखा जाएगा, जिससे हमारे फंड जो भी आएगा गांव के बीच रखा जाएगा कि यहां मेरे इतना में फंड है, जहां जनसंख्या अनुसार सबको बांटा जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी मेरी तरफ से। प्राथमिकता आपका क्या है क्षेत्र के विकास के लिए? प्राथमिकता ये है कि हम जनता सभी जनता से मिल के समझ से मेरा पहला कार्य है कि जैसे भी जो काम करेंगे सब सबसे मिल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। मतलब जनता से आप सलाह लेके? हाँ हाँ, अपने मन से कोई काम नहीं होगा, जो भी होगा जनता की सलाह से काम होगा और अच्छा काम करेंगे, ठोस कदम लेंगे इसके लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों के
पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? पहला मेरा कदम रहेगा कि जैसे कि जो समस्या जो कमी है मेरे पंचायत में उसको सब पूरा करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? जनता को जी, जनता को चाहेंगे कि आप लोग एक बार आपको मौका मौका दें हमको, एक बार मुखिया बनाए हमको, और फिर उसके बाद कभी बोलने मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग बस क्या समस्या सब हल करेंगे हम। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।